खबर रामपुर से है, जहां मिलक क्षेत्र के खानपुर कदीम गांव में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि गांव के कब्रिस्तान की जमीन पर दो व्यक्तियों ने देर रात पहुंच खुदाई शुरू करवा दी, जिसमें यहां अगले ही दिन सुबह ग्रामीणों ने अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। वहीं प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए खुदाई का काम रुकवा दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि कब्रिस्तान के पीछे मजार भी है और कुल 4 एकड़ जमीन है। रात में दबंगों ने बिना किसी से पूछे खुदाई का काम शुरू कर दिया था, जिसकी शिकायत हमने अधिकारी को दी थी। मामला ये सब यहाँ कब्रिस्तान थे पुराने, और हमने डीएम को भी दिया, एसडीएम को भी दिया, पुलिस प्रशासन में एफआईआर भी करी, थाने भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं साहब, जो हमारे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहने दी जाए। किसकी जमीन है ये? ये जमीन जो है यहाँ का पुराने कब्रिस्तानों की है। तो इस पे कौन कब्जा करना चाह रहा है? इस पे ये है, ये उद्यान विभाग वाले, मतलब कहने का जबरदस्ती कब्रिस्तान खुदवा रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा इस मामले? जी साहब, हम पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। किसी अधिकारी ने कोई बातचीत की अभी आके आप? नहीं, लेखपाल साहब से कहा था, वो बोले खुदाई नहीं होगी। ये सर कब्रिस्तान थे और ये बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, मजार भी है, आप जी देखिए मजार भी है, और ये ना नफत की, ये सब 4 एकड़ जमीन है, और मतलब जो है ना किसी से पूछना ना गछना, रात में इन्होंने आके जेसीपी लगा के और खुदान शुरू कर दिया। अच्छा, इस विषय में किसी अधिकारी से शिकायत की आपने? मैंने एसडीएम को भी दी, एसडीएम ने कहा मैंने कोई परमिशन नहीं दी है, फिर मैंने डीएम साहब को दी, डीएम साहब ने आदेश कर दिए एसडीएम साहब को, उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो कैमरी थाने में दी, उन्होंने भी जो है पुलिस वालों को भेज के उनसे कहा कि आप अभी मत खोदना जब तक इसकी पैमाइश नहीं हो जा, मगर ठेकेदार और ये मदन लाल ये नहीं माने, मतलब नेकपाल ने मने कर दिया, उस वो खुद मने करके गया था कि आप मतलब जो है जो ठेकेदार है मैन वो राजकुमार है बंसीपुर का, तो मैंने इनसे मने करा, नेकपाल ने मने करा, पुलिस वालों ने मने करा, एसडीएम साहब ने मने करा, मगर ये बदमाशी में नहीं माने। उन्होंने रात में मदन लाल अपनी चारपाई लाया, बंदूक लाया और यहाँ रात में खुदाई कर।